एक तो हम बेसिकली करेंगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ, हमसे कह रहा है दोबारा से पढ़ लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। तो मुझे सम नहीं पता, तो मुझे सम नहीं पता है कि मेरा सम कितना है, ठीक है, एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। पर एनम फॉर 2 ईयर्स, टाइम मुझे दिया हुआ था 2 ईयर्स, ठीक है, इज 15। तो जो मेरा गैप है वो 15 का है, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया है वो 15 रुपीज का आया। तो एक तो तरीका ये है, ध्यान से देख लीजिए, एक तो तरीका ये है कि मैं निकालू कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं निकालू सिंपल इंटरेस्ट और उसको 15 के इक्वल रख दू। लेकिन दूसरा तरीका है जो मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 2 ईयर्स हैं, सिर्फ 2 ईयर्स हैं, तो 2 ईयर्स में मैंने आपसे क्या कहा है कि पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं था, दूसरे साल की वजह से डिफरेंस आया होगा। तो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, ये 15 रुपए का गैप किसकी वजह से आ रहा है? अभी इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से। तो मेरा जो प्रिंसिपल था वो था पी, प्रिंसिपल क्या था? पी। उसपे पहले साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा? 5%। यस और नो, सब बच्चे बताओ। Yes. पहले साल में प्रिंसिपल का 5% इंटरेस्ट आया होगा, तो अगले साल में इस इंटरेस्ट के ऊपर फिर जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी वजह से 15 रुपए का गैप आया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे एक लाइन लिखनी है। ये देखो, अगर लेफ्ट साइड वाला करोगे तो क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल होता है, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ, नहीं है। 1 + r, r पता है सर, 5/100, कितने साल का सर? 2 ईयर्स का, -1, माइनस सिंपल इंटरेस्ट p, r कितना है सर? 5, टाइम कितना है सर? 2/100 इज इक्वल्स टू 15। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास इतनी बड़ी इक्वेशन है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो p आएगा। और दूसरी साइड में क्या कह रहा हूँ कि जो 15 रुपए का गैप है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का है, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 5% है, तो उस इंटरेस्ट का 5% का फिर 5% निकालोगे तो 15 आएगा, तो दैट इज माय पी। तो अब आप कुछ सोच सकते हो हुआ क्या, 25 से कितने टाइम? 4 टाइम। 4 × 100, 400 × 15, 6000। ये आंसर है। सबको समझ में आया क्या? हाँ भाई, सबको समझ में आया या दोबारा से बताऊं? एक बार और सुन लीजिए, असल में हो क्या रहा है आप ये समझिए, ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें भी प्रिंसिपल पी है, इसमें भी प्रिंसिपल पी है, ये रेट है, ये 5% है, यहाँ पे भी 5% है, ये हम टाइम ले रहे हैं पहला साल, ये पहला साल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितना आया होगा, इंटरेस्ट कितना आया होगा? इंटरेस्ट आया होगा 5% पी, या पी से ही लिख लेते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितना आया होगा, मैंने आपसे कहा पहले साल के लिए दोनों सेम ही होता है, तो वहां पे भी क्या होगा, p इंटू 5 × 1/100। अब कहानी आती है सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में जो होता है वहां पे दूसरे साल का भी जो सिंपल इंटरेस्ट होना है वो सेम रहना है, p इंटू 5 × 1/100, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वहां दो चीजें होनी,
क्या होना है उसमें, एक तो इंटरेस्ट आना है, कितना आना है, p इंटू फाइव इंटू वन अपॉन हंड्रेड, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगना है सेकेंड ईयर में। लेकिन दूसरा क्या होना है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होना है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या होना है, हमारा इंटरेस्ट आया था p इंटू फाइव इंटू वन अपॉन हंड्रेड, इसका 5% और होना है, ठीक है सर। तो डिफरेंस कहां से आया भाई, हो क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में भी ये इंटरेस्ट निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये इंटरेस्ट निकाला है। तो जो 15 रुपए का फर्क आ रहा है वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी समझ में आया। हमने आपसे जो पीछे के ऊपर डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था बेटे कि इंटरेस्ट तो सबका उतना ही चलना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट को कंबाइन कर देना, कंपाउंड कर देना विद द प्रिंसिपल। तो पिछली बार अगर मुझे 100 रुपए पे इंटरेस्ट देना था तो अब मुझे 110 पे देना है। तो 110 पे इंटरेस्ट का मतलब है 100 का भी इंटरेस्ट दो और 10 का भी इंटरेस्ट दो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक साल के बाद जो मेरा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इतना ही है बस कि भाई प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, और सर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। तो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट में भी है, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सिर्फ कंपाउंडेड है। तो इसी की वजह से जो गैप आया होगा 15 रुपए का, वो सिर्फ इसी की वजह से आया। तो हमने सीधा इसको, इस इंटरेस्ट को 15 के इक्वल रख दिया। तो जब यहाँ से पी सॉल्व करेंगे तो 6000 आया। अब बताओ समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और देखो। ये आपके पास है, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन। इंफॉर्मेशन जो दी है उसी के हिसाब से रख लेते हैं यहाँ, क्योंकि फॉर्मूला ही अमाउंट का होता है। तो अमाउंट की बात करें, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, प्रिंसिपल अगर पी है तो अमाउंट हमारा 2p हो गया इन 4 इयर्स, ठीक है। टाइम हमें रेट हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट 2p इज इक्वल्स टू p इनटू 1 प्लस r अपॉन 100, टाइम हमारा है 4, तो ये हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू जो है, 2 की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4, 2 की वैल्यू, 2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इट विल अमाउंट 8 टाइम्स, तो ये हो जाना चाहिए 8 टाइम्स 8p, प्रिंसिपल पता नहीं है, 1 प्लस r अपॉन 100 कितने टाइम्स में, टाइम भी नहीं पता। ये बस, तो अब आपके पास क्या होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ गया 8। क्या आप कोई सोच सकता है कि हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। लेकिन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम। 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4 लिख सकते हैं? यस सर। तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4, और उसकी पावर है 3, 2 की पावर, तो 2 को हमने ये लिखा, तो 4 3 जा कितना हो गया सर, पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, पावर पावर क्या हो जाती है, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, तो t is equals to 12, इधर भी 1 plus r upon 100 है, इधर भी 1 plus r upon 100 है, लेकिन इधर पावर आ गई है 12 और इधर पावर थी t, तो t is equals to 12 हमारा आंसर है। दोबारा बताऊं? ये इसको थोड़ा जी सर दोबारा बता दीजिए। दो क्वेश्चन है अलग अलग, एक कह रहा है 4 साल में दुगना होता है इन 4 इयर्स 2 टाइम्स इन हाउ मेनी इयर्स 8 टाइम्स। ये मत पूछ, ठीक है जी।
तो आपके पास क्या होगा, आपको इसकी पावर देखनी है बेसिकल, तो 8 जो है कितने टाइम्स है 2 का, 8 2 का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा दोबारा से देख लीजिए, हमारे पास क्या है, डबल हो रहा है, 2p अमाउंट हो गया, p हो गया, 1 प्लस r अपॉन 100 हो गया, कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो p से p कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4। तो ये हम कह रहे हैं कि 2 की वैल्यू हमारे पास ये है, हमसे कह रहा है 8 टाइम्स कितने दिन में होगा, 8p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर, ठीक है, कितना टाइम पता नहीं, यहाँ भी p है, तो p से p कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 8 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। अब हमें t निकालना है, तो हमें 8 को हटाना पड़ेगा, तो हम कह रहे हैं कि 8 को हम क्या रखें, हाँ भाई 8 को हम क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 3। लेकिन 2 क्या है, 2 जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस r अपॉन 100, तो रख दीजिए, तो 2 की जगह रखिए 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4, तो उसकी पावर कितनी, उसकी पावर 3 भी तो है, 3 जी, 2 की जगह, 2 की जगह तो आपने रख दिया, लेकिन 2 की पावर कितनी थी, 3। तो राइट साइड में हमारे पास क्या बचता है, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। तो अब आप खुद देखो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 12, और राइट साइड हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। तो आप कह सकते हो t इज इक्वल टू 12, is equals to that's well. तो ये है हमारे पास, एक क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर होता है, दोनों चैप्टर का, तो यही होता है। हमेशा ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है, एक साल के बाद इस पे इंटरेस्ट आया 10% के हिसाब से 10 रुपीज, और ये 110 हो गया, तो अब जो नेक्स्ट ईयर होना है, ध्यान से देख लीजिए, इंटरेस्ट इस 110 रुपए पे लगेगा, बस ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। हमारा जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, ये लास्ट ईयर के लिए तो अमाउंट है, बट ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पे लगेगा, ये पता है आप सब बच्चों को, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल के बाद जो अमाउंट हो रहा है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल हमेशा शुरू वाला ही रहेगा, 100 रुपीज ही रहेगा प्रिंसिपल हमेशा, चाहे 10 साल के लिए निकालो चाहे 50 साल के लिए निकालो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, एक साल के बाद 110 हो गया, तो अब इसका 10% लगाना है, यानी कि 11 रुपए, तो अब हो जाएगा 121। फिर अगर निकालना है तो अब इसका 10% निकालना है, यानी कि 12 रुपीज 10 पैसे, तो फिर इसको ऐड कर देना है। तो हर साल जो है हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर अमाउंट पे होता है, तो उसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, अगर ये जो ऊपर समझाया ये समझ लिया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज, ये प्रिंसिपल है पता नहीं है, 2 साल में इसका अमाउंट हो गया 4840, और 3 साल में इसका अमाउंट हो गया 5324। ये पास में तो आपसे क्या कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताओ, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना प्रिंसिपल दिया हुआ ना कुछ, बस होगा क्या हमारे पास, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 साल के बाद अमाउंट इतना हो रहा है, 3 साल के बाद अमाउंट इतना हो रहा है, तो इसका मतलब बीच में गैप रह गया 1 ईयर का। अगर बीच में 1 ईयर का गैप रह गया
तो ये जो हमारे पास टर्म आई है ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, और ये हमारा हो जाएगा टाइम। तो हम रेट निकाल सकते हैं। सब बच्चों को बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी सर। दो साल के बाद, दो साल के बाद प्रिंसिपल हो गया 4840, तीन साल के बाद अमाउंट हो गया 5324। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो दो साल वाला अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल है। अगर आपको ये प्रिंसिपल नजर आ रहा है तो क्या कोई बच्चा मुझे इंटरेस्ट बता सकता है 4840 और 5324 में कितना डिफरेंस है? तो ये हो जाएगा 4, 12, 4 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 12, 12, 8 अगेन, फिर 4, 4, 4, 0, तो कितने का है? 484 का शायद डिफरेंस है। यस और नो? 5324 में और 4840 में कितने का गैप है? 480 का गैप है ना? कितना? 160 तो ये है और 324 ये, 324 हाँ ये हुआ 484। अब आप कुछ जरा ध्यान से सोचो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। फिर दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब हमारे पास सिर्फ एक साल का गैप है। कितने साल का? 1 year, 2 year से 3 year एक साल का गैप है। अब एक साल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उठाओ चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये मेरा इंटरेस्ट है और ये 4840 मेरा प्रिंसिपल है और मेरा टाइम है 1। टाइम क्या है? 1 year। तो क्या मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ? जी। अब जरा खुद ही सोच लो 4840 484 4840 का कितना परसेंट है? 0 ही तो हटानी है। कितना सोचते हो? 0 ही तो हटानी है तो सीधा सीधा 10% है। कितना परसेंट है? आप चाहते तो सॉल्व कर लेते। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, रेट पता नहीं है, टाइम 1 है अपॉन 100। इतना सोचना थोड़ा ही था। तो 0 से 0 कैंसिल, 484 से 484 कैंसिल, 10 इधर आ जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू 10%। अब अगर हमारा R आ गया, क्या आ गया हमारे पास? R। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे आप 2 year वाला ले लीजिए चाहे आप 3 year वाला ले लीजिए। हमारा प्रिंसिपल कितना है? P है। और हमारा अमाउंट कितना है? 4840। और हमारा टाइम कितना है? 2 years। और रेट हमारा आ चुका है 10%। समझ में आई बात या नहीं आई? तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, अमाउंट 4 वाला ले, 2 year वाला ले लो चाहे 3 year वाला। अमाउंट 4840 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल पता नहीं था, 1 + R 10% आ चुका है और टाइम 2 years। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने वहीं से निकाल दिया, लेकिन अगर हमें प्रिंसिपल भी निकालना पड़े तो हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। सर समझ में आया क्या? Yes. तो बेटे कोशिश कर लीजिए, पांचों टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन करने। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि प्लीज आपस में क्वेश्चन पेपर शेयर कर लो, मुझसे पूछ लो कि मेरे पास कौन से पेपर्स हैं, और स्पेशली आप सीधे सीधे पेपर्स पे ध्यान दो। पेपर्स के 10-20 क्वेश्चन बहुत सुकून से कर लो, वो ही आपको हेल्प कर देंगे। ज्यादा डिटेल में अब जाने की कोशिश मत करो लास्ट में। तो कोशिश कर लीजिए इंशाल्लाह। किसी को भी कुछ डिस्कस करना है कल संडे में तो डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ लो सर की। अल्लाह हाफिज जी। बेटा अल्लाह।